में ग्रामर पोर्शन है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखते हैं कि क्या है। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, सेंटेंस तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है और सबॉर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या सीक्वेंस है, क्या एक दूसरे पर आधारित हैं, वो कुछ वाक्यों के उदाहरण से हम समझेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज फॉलोज द टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज। एक रूल, एक लाइन में जब सेंटेंस लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। देर आर टू रूल्स अबाउट दिस, इसके बारे में दो नियम हैं। पहला एक एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगी बात। आई नो यहाँ एक आई शैल नो, आई नो, आई शैल नो, इसके पूर्व हम बात कर चुके हैं कि नो एक स्पेशल वर्ब है जिसके आगे हाउ या अदर इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं सेंटेंस में। देखते हैं कैसे। आई नो व्हाट ही डज, इसमें भी दे सकते हैं व्हाट ही डज, आई शैल नो व्हाट ही डज। इसमें यह प्रिंसिपल क्लॉज है, आई नो, आई शैल नो, यह सबॉर्डिनेट क्लॉज है, व्हाट ही डज, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग। नरेशन का रूल है। यह जो टर्म है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नरेशन में बहुत लाभदायक है। नरेशन में ही रूल हम ये पढ़ते हैं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज फॉलो द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज, और जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं हम तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद यह सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस जैसा। सेंटेंस तो है कि व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में इसको हम सब्जेक्ट वर्ब के क्रम में रख देते हैं। इसलिए व्हाट ही डज। अब हमने देखा ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब तो सबॉर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसका क्या अर्थ है कि द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज डज और इज जो है
ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो इस सबॉर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस है वर्ब का फॉलोज अनुसरण करता है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज का ये वर्ब है नो सन नो, इसका वो फॉलो करता है। तो कौन से दो नियम है इसके फॉलो के कि देर आर टू मेन रूल्स। पहला, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जैसा कि मैंने लिखा है यह प्रेजेंट टेंस है या सर लग गया फ्यूचर टेंस है। इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है किसी भी टेंस में रह सकता है। यह ही डज प्रेजेंट टेंस, ही इज डूइंग प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही हैज डन ही हैज बीन डूइंग, ही डिड ही वाज डूइंग, ही हैड डन ही हैड बीन डूइंग, ही विल डू He will be doing, he will have done, he will have been doing। इसका मतलब कि यह किसी भी टेंस में रह सकता है, सही है। इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज ये मे बी इन एनी टेंस, वो प्रेजेंट टेंस में भी रह सकता है, पास्ट टेंस में रह सकता है या फ्यूचर टेंस में भी रह सकता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज का वर्ब, जैसा कि मैंने उदाहरण देके दिखाया है, नरेशन में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम जब बनाते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं। पहला नियम, यदि ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस। आगे देखते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर तो हो गया लेकिन पास्ट टेंस रहेगा तो इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस तो क्या होगा कि तो द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी, अवश्य होगा होना चाहिए, मस्ट बी आल्सो इन द पास्ट टेंस। तो इसका जो वर्ब है वो ही पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये रूल कह रहा है। दूसरा कि इफ द वर्ब ये यदि पास्ट टेंस में है, केवल चेंज कर देते हैं, न्यू आई न्यू केवल मैंने पास्ट टेंस बना दिया उसको, तो क्या होगा कि इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इन पास्ट टेंस तो द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज, तब ये क्या होगा कि मस्ट बी आल्सो इन द पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो ये प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा डायरेक्ट नरेशन में तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट, तो इस पूरा का पूरा प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। आगे भी मैं माइट में पास्ट टेंस हो जाएगा, सल शुड में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा, कैन कुड में हो जाएगा, सब वर्ब का पास्ट टेंस हो जाएगा। यदि यहाँ न्यू लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ही डिड, ये हो गया।
ये इज का वाज हो जाएगा, हो गया पास्ट टेंस इसका। यदि यहाँ हम पास्ट कर दें तो, यदि यहीं यहाँ उतार दें तो वहाँ भी व्हाट ही वाज डूइंग वो पास्ट टेंस में होगा। He worked hard so that principal class. He worked hard so that he might succeed. He may succeed रह सकता था, यदि ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, लेकिन पास्ट में है यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब तो सबॉर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। Succeed. He might succeed. Yeah, might. ये past tense में है तो might भी बता रहा है कि past tense में है। दूसरा rule. और यह दोनों rule पूरे narration में काम करता है। उसमें हम कहते हैं कि यदि reporting side का verb present और future में हो तो reported speech का verb किसी भी टेंस में हो सकता है। वो टेंस नहीं बदलता है इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं, यही नियम है। और यदि रिपोर्टिंग साइड का या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। वही जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे क्रम से बदलता है नरेशन में। और पर्सन चेंज में भी देखते हैं, किधर का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण रूल थे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस के रूल देखते हैं हम कि यदि ये पास्ट में हो तो भी प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो भी क्या होगा कि इफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लास एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, आदत का बोध कराता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ माने जो सर्वदा सत्य रहने वाली बातें हैं जो बदलती नहीं है, तो इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, इवन इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस। ये क्या कहा वाक्य कि यदि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सबॉर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा रहता है सत्य, वो वर्तमान होगा या आदत है, तो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब यदि पास्ट में हो तो भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तब तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन दूसरा रूल जो कहा कि यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, लेकिन इसके एक्सेप्शन में यदि सबॉर्डिनेट क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, तो ये पास्ट टेंस में रहते हुए भी वो नहीं बदलता है, चूँकि वो कभी बदलने वाला चीज़ नहीं है, फैक्ट है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है, ये सर्वदा सत्य है। इधर पास्ट रहेगा तो भी वो अपने टेंस में है। तो हैबिचुअल फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इधर पास्ट रहेगा तो भी वो नहीं बदलेगा। यही रूल का मेंशन उसमें किया गया है कि इफ़ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेज यूनिवर्सल ट्रूथ आर हैबिचुअल फैक्ट, इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, इवन इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज
इज इन द पास्ट टेंस. जैसे द टीचर सेड, नरेशन क्या उदाहरण देते हैं, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है. अब द अर्थ इज राउंड को द अर्थ वाज राउंड करेंगे तो पृथ्वी गोल थी तो अभी क्या बदल गया, इसलिए नहीं उसको चेंज करते हैं. वहाँ के इनवर्टेड कोमा को हटा करके दैट लिखते हैं. द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसका टेंस हम पास्ट में नहीं बदल सकते हैं, वो इज है तो इज है, प्रेजेंट में है. द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, एक्सेप्शन है दूसरे रूल का कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में रहेगा, यहाँ रूल फॉलो नहीं करता है. He said that the man is mortal. Man is mortal, universal truth है, इसलिए नहीं बदलेगा. Is तो इज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मनुष्य मरणशील है. तो इधर पास्ट है तो भी ये प्रेजेंट में रहा, ये के है. दूसरा है कि इफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन देन, देन जिसको कहते हैं हम लोग टी एच ए एन देन, लेकिन देन स्ट्रांग फॉर्म है उच्चारण का, और देन कंजंक्शन का अक्सर हम विदाउट स्ट्रेस उच्चारण करते हैं. देन हल्का वीक प्रोनाउंसिएशन. इफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाई द कंजंक्शन देन, दन से शुरू होता है तो वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस, इवन दाउ देर इज पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज. इसमें पास्ट टेंस हो तो भी यदि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज दन से शुरू होता है तो किसी भी टेंस में रह सकता है, ये नियम कह रहा है. एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ही लाइक्ड हर बेटर, ही लाइक्ड हर बेटर देन ही लाइक्स यू. देन से शुरू हो गया, इधर हमने प्रेजेंट लिख दिया. यही ना रूल कह रहा है कि इफ द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन देन, ये कंजंक्शन देन से शुरू हुआ है. द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसमें जो वर्ब आ रहा है, द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस,
किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इवन दो द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। देयर इज इन पास्ट टेंस, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट टेंस में हो, देयर इज पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज, ये पास्ट टेंस में है तो भी यदि ये दन से इंट्रोड्यूस होता है तो ये किसी भी टेंस में रह सकता है। एक दूसरा एक्सेप्शन है, यह दे हेल्प्ड अस मोर दन, दन से शुरू हो गया उधर, हालांकि दे हेल्प्ड पास्ट टेंस में है, दे हेल्प्ड अस मोर दन दे हेल्प्ड देयर ओन चिल्ड्रन, पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में दे दिए हम, अवदर दे दिए पास्ट टेंस कि दे हेल्प्ड दन दे हेल्प्ड देयर ओन चिल्ड्रन। दन से यदि शुरू होता है तो उधर कोई भी टेंस रह सकता है। एक अपवाद ये हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक अपवाद ये हुआ दन से शुरू हुआ तो किसी भी टेंस में रह सकता है भले इधर पास्ट टेंस हो। इफ द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज अन एडवर्बियल क्लॉज, यदि एडवर्बियल क्लॉज हो ऑफ प्लेस और रीजन, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस और रीजन का काम कर रहा हो, तो इट मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस इम्प्लाइड, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। क्या कहा कि यदि सबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज है और एडवर्बियल क्लॉज में भी दो ही एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ रीजन क्या काम कर रहा है, तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है, जबकि ये पास्ट टेंस में हो तो भी। ही फेल्ड बिकॉज he has poor health. ये past tense है तो भी present का लगा हुआ है, यह क्यों कि adverbial clause है, रीजन दे रहा है, क्योंकि तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन इस क्रिया का रीजन बता रहा है कि फेल्ड बिकॉज ही हैज पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण वो फेल कर गया, तो एडवर्ब ऑफ रीजन है, इसलिए उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है कि यदि ये पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, नहीं हैज है, हैड नहीं हुआ वो। जो रूल्स हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है, कुछ अभ्यास से बच्चे इसको याद रख सकते हैं। एक लेस्ट है, लेस्ट कंजंक्शन है, लेस्ट कंजंक्शन लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ट्रांसलेशन भी हम लोग बनाते हैं कि कठिन परिश्रम, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि फेल ना कर जाए, कठिन परिश्रम करो कहीं फेल ना हो जाओ, लिस्ट के साथ शुड ही आता है। तो एक रूल है यह कि कंजंक्शन लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। उदाहरण, ही वर्क हार्ड लिस्ट ही शुड फेल, उसने कठिन परिश्रम किया कहीं फेल ना कर जाए।
लेस्ट कंजंक्शन हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज कंजंक्शन लेस्ट तो ही आया, तो यहाँ शुड ही आएगा। He worked hard lest he should fail. एक नियम वह हुआ, ट्रांसलेशन भी हिंदी का ऐसा होता है, कहीं फेल ना कर जाए, उसने कठिन परिश्रम किया कहीं फेल ना कर जाए। अब एक कंजंक्शन है एज इफ, द कंजंक्शन एज इफ एंड एज दाउ ऑलवेज टेक वर्ब आर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज वाट इवर द टेंस ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी। एक रूल यह है, क्या अर्थ है इसका, कि यदि एज इफ एज दाव आता है कंजंक्शन के रूप में तो उसके आगे जो वर्ब आता है वर्ब होगा या क्रिया का दूसरा रूप होगा प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भी टेंस हो। एज इफ के बाद वेर आता है, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, ही टॉक्ड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, कोई भी टेंस इधर दे सकते हैं हम। ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर मैड, वेयर ही लगा ही के साथ, वाज नहीं लगा, ही के साथ वाज होना चाहिए। लेकिन यदि एज इफ कंजंक्शन के रूप में आता है तो उधर जो वर्ब आएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज का वो वर्ब ही होगा या वर्ब का दूसरा रूप होगा। उदाहरण के रूप में ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर मैड, ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर किंग, मानो वह राजा हो, एज इफ एन मानो। यहाँ यदि एज इफ कंजंक्शन है तो ही के साथ भी वर आया, इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू प्रेजेंट पास्ट भी दे दिया है क्रिया का दूसरा रूप, ही न्यू एवरीथिंग। वर्ब रह सकता है या क्रिया का दूसरा रूप, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब न्यू, एज इफ रहा तो और कोई टेंस नहीं रहेगा वहां। तो रूल क्या है कि द कंजंक्शन एज इफ एंड एज दाउ ऑलवेज टेक वर्ब आर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हाट एवर द टेंस ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी। एक एज दाव का ले लेते हैं उदाहरण, ही फॉट एज दाव यू वेयर टाइगर, ही वेयर ए टाइगर, वर लगा ही के साथ भी। टाइगर एज दाव यहां रहा तो वर लगा, तो एज दाव या एज इफ हो तो वर का प्रयोग, मानो वैसे लड़ा मानो बाघ हो। तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज में किस टेंस में वर्ब है, तो
सबॉर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किस टेंस में होगा, सीक्वेंस मान क्रम अनुक्रम, तो ये हमने अब तक देखा। लेसन टू जो है पैनोरामा इंग्लिश बुक है क्लास नाइन्थ की, उसका लेसन टू ये जाति, उसमें का ग्रामर पोर्शन था सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। अच्छा है, नरेशन भी बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। और यहाँ ये भी हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबॉर्डिनेट का उच्चारण पर ध्यान रखना है कि यदि नाउन है सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव, सबॉर्डिनेट क्लॉज, यहाँ सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सबॉर्डिनेट नट उच्चारण करते हैं इसका। और यदि ये वर्ब का काम करता है किसी को अधीन करना, आश्रित बनाना, तो सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट। तो हर बार मैंने उच्चारण किया है सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट। बच्चों को इस क्रम में हमने सीक्वेंस नहीं कहा, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो उच्चारण पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहिए ताकि वो जाने। थैंक यू सो मच।